रियासती अखिलियती मुशीर ए के खान ने मुख्तलिफ महकमों के साथ खिलवत चौमल्ला पैलेस था मक्का मस्जिद हिज हाइनेस नवाब मीर बरकत अली खान मुकरम जा बहादुर के नमाज जनाजा और तदफीन के सरकारी एजाजात के साथ अमल में लाए जाने के सिलसिले में दौरा किया। तैयारियों और इंतजाम के सिलसिले में मुतालिका महकमों के ऑफिशियल्स को खसूसी हिदायत दी। दौरे के मौके पर हिज हाइनेस मुकरम जा बहादुर के अफराद खानदान ट्रस्टी मुकरम जा ट्रस्ट एम ए फैज खान सदरनशी तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम व दीगर भी मौजूद थे। यहाँ यह बात भी काबिल जिक्र रहे कि मुकरम जा बहादुर किया जसद मुबारक 17 जनवरी को तुर्की इस्तंबुल से एक चार्टर्ड प्लेन के जरिए हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। इस सिलसिले में अखिलियती मुशीर ए के खान ने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। प्रिंस मुकरम जा बहादुर का इंतकाल 2 दिन पहले तुर्की के इस्तंबुल में हुआ है। वहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट में उनका जनाजा यहाँ पर लाया जा रहा है। कल शाम को यहाँ पहुँचने के इम्कान हैं 17 तारीख के शाम को। 18 तारीख सुबह 8 बजे से 1 बजे तक खिलवत पैलेस में लोगों को आके देखने के लिए और फुर्सत देने के लिए फैमिली मेंबर्स को मौका दिया जा रहा है। 1 बजे के बाद में उसूल पूरा करने के बाद मक्का मस्जिद में असर की नमाज़ होने के बाद असर जनाजे की नमाज़ होगी। असर की नमाज साथ ही होगी और उसके बाद में वहीं पे तकफीन किया जा रहा है मक्का मस्जिद में। 18 तारीख ये प्रोग्राम होगा, बाद असर होगा। असर के नमाज के साथ ही नमाज जनाजा भी होगा और असर के मगरिब के दरमियान तकफीन का पूरा काम पूरा किया जाएगा, तदफीन होगा।